स्वागत है आप सभी का बजी न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर निफ्टी के करंट लेवल्स को देखें तो 8600 पर ही कर रहा है निफ्टी कामकाज। आज सुबह से ही काफी नैरो रेंज में बाजार कर रहा है कामकाज। आप देखिए सेक्टोरल इंडिसीज को किस तरीके का रुझान है। पॉजिटिव रुझान सभी मेजर इंडाइसिस में देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक देखिए, ऑटो इंडेक्स देखिए, रियल्टी इंडेक्स और मेटल इंडेक्स सभी में अगर आप देखेंगे तो फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन के साथ ही कामकाज होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए संदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए संदीप। शुक्र साक्षी, बाजार में रिकवरी हो रही है। कुछ ऐसे काउंटर सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगा जिनमें काफी अच्छे गेंस आज देखने को मिल रहे हैं। सीमैक एक काउंटर है, सी मरीन के नाम से जिसे आप जानते हैं, उसमें आज काफी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस कंपनी को 3 साल के लिए 3.34 करोड़ डॉलर का ऑर्डर मिला है। इनके एक जहाज है सीमैक 2 जिसको डिप्लॉय किया जाएगा 3 साल के लिए, उसके लिए ये ऑर्डर मिला है। कैमन इंडिया इस कंपनी को एनएचएआई से आज 1625 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर विन के चलते इस काउंटर में काफी अच्छे गेंस आज देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इस कंपनी की एक मॉरिशस की सब्सिडियरी, उन्होंने बॉश अफ्रीका से अपनी जो पूरी हिस्सेदारी है वो बेची है 1.05 करोड़ डॉलर्स में। ये हिस्सेदारी बेची गई है कॉन्टिनेंटल अफ्रीका होल्डिंग्स को, तो उसका इंपैक्ट आप देखिए शेयर प्राइस पे पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, इस कंपनी ने अपनी जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसका ऐलान किया है। अपने जो दो कारोबार है उसको डीमर्ज करने की मंजूरी दी गई है। कस्टम मोल्डिंग और साथ ही साथ प्रीफैब कारोबार को डीमर्ज करने की मंजूरी दी गई है और अब दो कंपनियां होंगी, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज और सिंटेक्स प्लास्टिक्स। और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको एक सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर के बदले में सिंटेक्स प्लास्टिक्स का एक शेयर मिलेगा, जो कि आगे चलते हुए लिस्ट भी होता नजर आएगा। एलकेम लैब्स, यहाँ पे खराब खबर निकल के सामने है कि दमन इकाई को फॉर्म 483 जारी हुआ है USFDA की ओर से। इस खबर का इंपैक्ट देखिए, इस काउंटर में अब भी कमजोरी के साथ कारोबार देखने को मिला, करीब 7% के आसपास की कमजोरी है। सिप्ला आज सुबह से कमजोर है और लगातार आप देखिए दिन के नए निचले स्तर ये काउंटर छू रहा है। USFDA ने दरअसल हाल में इनकी जो गोवा की 3 इकाइयाँ हैं उनकी इंस्पेक्शन करी थी, 4 ऑब्जर्वेशन मिले थे। हालांकि जो ऑब्जर्वेशन थे वो प्रोसीजरल थे, कंपनी ने ऐसा माना है, और इनकी यूनिट्स अभी भी ऑपरेशनल है, लेकिन स्टॉक में इसका रिफ्लेक्शन जरूर देखने को मिला है। 3.5% के आसपास की कमजोरी अब भी देखने को मिली है। आज इन सेक्टर्स में गेंस है उसमें सबसे पहले लेकर एक ऐसा सेक्टर है, कल की भारी गिरावट के बाद आज फिर से जो रिकवरी है वो देखने को मिल रही है। बिहार में जो शराबबंदी है उसके ऊपर पटना हाईकोर्ट का फैसला आया, उन्होंने उसको रद्द किया है। उसका इंपैक्ट देखिए सभी लिकर साइड पे, लिकर काउंटर्स पे पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला है, और सबसे ज्यादा रवि कुमार डिस्टिलरीज करीब 20% के आसपास से गेंस यहां देखने को मिला है। फर्टिलाइजर शेयरों में भी काफी अच्छे गेंस हैं, जैसे आपने बताया कि आज गैस कीमतों के रिविजन का ऐलान होगा, करीब 18% के आसपास की कमी देखने को मिल सकती है। आज शाम को ऐलान होगा, उसका फायदा फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए पॉजिटिव है क्योंकि इनपुट के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं गैस को, तो फर्टिलाइजर शेयरों में काफी अच्छे गेंस है। और साथ ही साथ टाइल्स बनाने वाली कंपनी जो सेरेमिक क्षेत्र की कंपनी है, उनकी भी जो लागत है उसका बड़ा हिस्सा दरअसल गैस की वजह से होता है, तो अगर कीमतें नीचे की ओर आएंगी तो जाहिर सी बात है लागत कम होगी, उसका इंपैक्ट जो है पॉजिटिव साइड पर मार्जिन साइड पर देखने को मिलेगा, तो उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। टेक्सटाइल शेयरों में आज फिर से काफी अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। वर्धमान पॉली, सुमित इंडस्ट्रीज, रेमंड, एरो टेक्सटाइल्स, RSWM, किटेक्स गारमेंट्स, सभी ऐसे काउंटर है टेक्सटाइल स्पेस में जहाँ पे काफी अच्छे गेंस आज देखने को मिले हैं। फार्मा में खासतौर पे जो छोटे मझोले काउंटर्स हैं वहाँ पे डिफेंसिव के तौर पे आज बाइंग फिर से देखने को मिल रही है। हिकाल की बात कीजिए, डिशमैन फार्मा, क्लेरिस लाइफ, आरती ड्रग्स और अरबिंदो फार्मा, इनमें आज काफी अच्छे गेंस देखने को मिले। और मिड कैप साइड के कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे एक्सेप्शनली वेल मूव्स देखने को मिल रहे हैं, उसमें सिग्नेट इंडस्ट्रीज, फ्लेक्स फूड्स, यूबी होल्डिंग्स, कल के बाद से लगातार जो नंबर्स का इंपैक्ट है आज भी जारी है पॉजिटिव साइड पे। इसके अलावा दो टेलीकॉम स्पेस के काउंटर्स रिलायंस कम्युनिकेशन और टाटा कम्युनिकेशन, इन दोनों काउंटर्स में भी काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बताने के लिए कौन से ऐसे शेयर्स और सेक्टर्स हैं जहां पर बजिंग एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी देख लेते हैं कि डेरिवेटिव स्पेस से क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, देखा जाए तो आज सुबह से ही काफी नैरो रेंज में बाजार कामकाज कर रहा है, कल की भारी गिरावट के बाद जरूर संभलने की कुछ कोशिश है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी उस तेज रिकवरी अभी नहीं आ पाएगी? बिल्कुल साक्षी, अगर आप देखें हम 8620 8630 के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। आप देखें सुबह भी सस्टेन नहीं कर पाए, बार बार 86 को वॉलेट करना, नीचे आना, आई थिंक ये आखिरी का एक घंटा काफ़ी क्रिटिकल रहेगा साक्षी। 8630 आप क्रॉस करते हैं हायर लेवल्स पे या फिर फाइनली 8560 ऑन द डाउन साइड आप ब्रीच करते हैं, डिसाइसिवली मैं कह नहीं सकता कि निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग या शॉर्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन आई थिंक शॉर्टिंग ज़्यादा हो रही है साक्षी, क्योंकि मैं ये एग्जैक्टली डिटरमाइन कर रहा हूँ ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स से। पहली चीज साक्षी, अगर आप देखें कि 3 स्ट्राइक्स को देखिए आप कॉल की, 8600 क्वांटम ऑफ राइटिंग देखिए आप, 8600 की कॉल, 837, 8700 की कॉल, 5,56,000 शेयर, और 8800 की कॉल में करीब 5.5 लाख, तो कुल अगर आप एडिशन देखें तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 18-19 लाख का कॉल्स में राइट हुई हैं, तो राइटिंग काफ़ी हो रही है साक्षी। और 8650 और 8720 ये एक क्रिटिकल सप्लाई जोन की तरफ
कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक सप्लाई जोन है। 86.30 आखिरी के एक घंटे के लिए काफी क्रिटिकल रहेगा। और नीचे अगर आप पुट्स को देखें तो 8500 की पुट साक्षी अगर आप देखें ये काफी ओआई खींच रही है अपनी तरफ, 9 लाख, 8400 की पुट 9.25 लाख और 8300 की पुट में यहाँ पे 3 लाख से जुड़े हैं। लेट्स सी आखिरी के एक घंटे में क्या होता है, लेकिन फ्लो उसी तरफ होगा जिस तरफ भी आई थिंक हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देंगे 8560 और 8630। निफ्टी बैंक अभी भी कमजोर है बट समहाउ आई थिंक सुबह के लोस को मेंटेन कर रहा है 19050, वो अब तक वॉलेट नहीं हुआ, रीवॉलेट देखते हैं क्या होता है। अभी भी कहना साक्षी काफी मुश्किल है, डेटा से काफी कुछ क्लियर नहीं है। हाँ, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स मैं कह सकता हूँ जिनमें आज पुल बैक है बिकॉज ऑफ आई थिंक सम बिट ऑफ फ्रेश लॉन्ग्स। टीवीएस मोटर्स कह सकता हूँ मैं आपको, मैं टाटा केमिकल कह सकता हूँ, लेकिन इसको छोड़ के साक्षी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुए हो सीरीज के पहले दिन, वो सेंटिमेंट विजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। डेफिनेटली पीएसयू बैंक बास्केट में कुछ स्टॉक भाग रहे हैं, फॉर इंस्टेंस कैनरा बैंक, पीएनबी, पर आई थिंक डिसाइसिवली ये कहना कि आज पहले दिन इन स्टॉक्स पे फ्रेश लॉक बन रहे हैं ये बहुत मुश्किल है। तो ये आखिरी का एक घंटा काफी क्रिटिकल है साक्षी। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन बताने के लिए कि किस तरीके से आगे मार्केट से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और क्या कुछ इंडिकेशन फ्यूचर्स मार्केट से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं अहम खबरों के बारे में। एडीए ग्रुप के बारे में जो अहम खबर आ रही है वो ये है कि कमोडिटी एक्सचेंज के लिए सेबी से इस ग्रुप को मंजूरी मिल गई है। आपको ये भी बता दें कि पिछले हफ्ते ही अनिल अंबानी ने कमोडिटी एक्सचेंज लाने की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर आज 3 बजे यूनिफाइड एक्सचेंज को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। क्या है ये पूरी खबर, जान लेते हैं तरुण से। तरुण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। तरुण, पिछले हफ्ते आपने कई स्टोरीज ब्रेक की, खासतौर पर एडीए ग्रुप की अगर बात हो या फिर कुछ नई कमोडिटीज के ऐड होने वाली बात हो। आज जो मंजूरी मिली है वो कितनी अहम है एडीए ग्रुप के लिए, खासतौर पर ये, और साथ ही आज जो होने वाली सेबी की बैठक है 3 बजे, उसमें क्या कुछ फैसले निकल के आ सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एडीएजी ग्रुप का जो ICEX एक्सचेंज है आज उसको सेबी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। और अब जो ये एक्सचेंज है ये डायमंड कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपने आप को लॉन्च करेगा बाजार में, तो ये कमोडिटी एक्सचेंज में चौथा एक्सचेंज होगा क्योंकि ऑलरेडी NCDX, MCX, NMC और अब चौथा एक्सचेंज ICX स्टार्ट होगा। ICX पहले भी चलता था लेकिन कई विवादों में ये गिर गया था। उसके बाद MMTC की इसमें 26% हिस्सेदारी थी, तो FMC के रेगुलेशंस आने के बाद इनको 15% हिस्सेदारी लाने को कहा गया था, जो उन्होंने अपने रेगुलेशन को पूरा किया है और अब वो डायमंड कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाजार में उतरेंगे। और इसके साथ साथ आज 3 बजे सेबी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइमलाइन डिसाइड हो सकती है कि कब तक स्टॉक एक्सचेंजेस को कमोडिटी एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज या ये कहें कि यूनिफाइड एक्सचेंज का दर्जा कब तक मिल पाएगा, इस पे एक टाइमलाइन आज डिसाइड हो सकती है। साथ ही जो FPI और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको कब से कमोडिटी मार्केट में निवेश करने का मौका मिलेगा, इसकी भी टाइमलाइन आज से भी दे सकता है। तो लिहाजा कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और ये जो ऐलान है ये 3:30 बजे के करीब होगा क्योंकि 3 बजे सेबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इन तमाम अपडेट्स के लिए, और खास तौर पर जो आज बैठक होगी और क्या कुछ फैसले निकल के आते हैं उसके बारे में भी दिन भर लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज की जो होने वाली एक और अहम बैठक है वो है GST काउंसिल की दूसरी बैठक। आपको बता दें कि पार्लियामेंट एनेक्स में दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक भी होने वाली है और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां पर MOS फाइनेंस संतोष गंगवार और मंत्रालय के कई और अधिकारी भी शामिल होंगे इस बैठक में। और क्या कुछ और फैसले इस बैठक में निकल के आ सकते हैं जानने के लिए सीधा चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, ये तो सभी जानते हैं कि दरों के ऊपर आज फैसला नहीं होगा, जो कि अगली बैठक होगी उसमें दरों का फैसला लिया जाएगा, लेकिन आज की इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं जीएसटी काउंसिल द्वारा? कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू है वो है कॉम्पनसेशन को लेकर इसमें सहमति बनाने की कोशिश होगी। इसके अलावा CBEC ने जो ड्राफ्ट रूल इशू किए थे रजिस्ट्रेशन को लेकर, इनवॉइस को लेकर, पेमेंट को लेकर, उस मुद्दे पे उम्मीद की जा रही है कि GST काउंसिल से आज इस पर मंजूरी मिल जाए। इसके अलावा क्योंकि पिछली बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे थे थ्रेशोल्ड को लेकर, जो डेडलाइन है उसको मीट करने को लेकर काउंसिल में सहमति बनी थी, लेकिन UP और तमिलनाडु कुछ मुद्दों को लेकर विरोध अभी भी वो जता रहे हैं। और यूपी का ये भी कहना है कि जो इनकम टैक्स जो टैक्स वसूली है उसमें स्टेट्स की भी भूमिका बढ़ाई जाए और इसको लेकर यूपी सरकार जो है, यूपी गवर्नमेंट जो है, इसमें अपनी मांग रखने वाली है। तो कहीं ना कहीं
कंपनी कॉम्पनसेशन का जो क्राइटेरिया होगा, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का जो टाइमलाइन है उसको फिक्स किया जाए, इसके अलावा उसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी सिस्टम को और डेवलप किया जाए, और आपने देखा कि कैसे कैबिनेट ने जो जीएसटी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के जो फाइनेंशियल असिस्टेंस को अप्रूवल दिया है, तो अब इसको किस तरीके से स्पीड अप किया जाए और राज्यों का जो नेटवर्क है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर आज बैठक होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो कुछ राज्य इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को जो दिक्कतें हैं उस पर किस तरह की सहमति बनती है और कॉम्पनसेशन को लेकर किस तरह का रास्ता अख्तियार किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो कई अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में, और प्रकाश से लगातार अपडेट्स लेते भी रहेंगे जिस तरीके से ये फैसले आएंगे। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि आज कॉम्पनसेशन प्रोसेस को लेकर कुछ ना कुछ फैसला लिया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर फैसला लिया जा सकता है, खासतौर पर एग्जेम्पशंस के ऊपर भी नजर रहेगी कि जीएसटी के दायरे से बाहर कौन सी कमोडिटीज रहेंगी, उन पर भी कुछ फैसला आ सकता है। और इन सभी मुद्दों पर आप नजर रखिए जी बिजनेस पर, लगातार आपको इसके बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज दोपहर 3 बजे इसकी जो बैठक है उससे जो भी फैसले आते हैं प्रकाश वहां से सीधा आपको बताते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और खास तौर पर बोलना पड़ेगा थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, क्योंकि कल बाजार में बड़ी गिरावट हुई, सारे ही फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट्स बिगड़ गए, लेकिन आज यानी शुक्रवार को बाजार संभल रहा है। शुक्रवार से बाजार का एक स्पेशल कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है बताने के लिए अंचल मेरे साथ मौजूद है। अंचल, मुझे पता है कि आपका फेवरेट दिन भी फ्राइडे ही है और आप सर आते हैं और कहते हैं कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, क्योंकि आपके लिए अगला 2 दिन जो होते हैं वो काफी रेस्टफुल डेज होते हैं, वीकेंड्स होते हैं, आपके प्लान्स भी होते होंगे, लेकिन मार्केट्स क्यों आज ये थैंक गॉड इट्स फ्राइडे कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता साक्षी, मेरे लिए सभी के लिए थैंक गॉड इट्स फ्राइडे है, और स्पेशली बाजार के लिए तो फ्राइडे एक अच्छा दिन बन ही गया है। देखिए 5 साल का डेटा मैं आकलन कर रहा था, 5 साल का डेटा देखा तो पता चला कि औसतन फ्राइडे का दिन बाजार बेहतर रिटर्न देता है बाकी 4 दिनों के मुकाबले। मंडे का ऐसा दिन होता है जिसे मंडे ब्लूज भी हम कहते हैं, मंडे का एक ऐसा दिन होता है जब बाजार भी वीक होता है, शुरुआत करता है हफ्ते की लेकिन एक सुस्त नोट पे ही करता है। देखिए जो डेटा निकल के आया उसके हिसाब से पिछले 5 सालों में फ्राइडे के दिन बाजार ने औसतन 0.1% का रिटर्न निफ्टी ने हर फ्राइडे दिया है एवरेज। अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी दिनों से तो एक तरफ मंडे जो है जिसे वीक कहा गया है, क्यों कहा गया, क्योंकि 0.01% की गिरावट निफ्टी में देखी गई ऑन एन एवरेज हर मंडे को। तो ये 5 साल का डेटा है, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड दर्शा रहा है कि नॉर्मली जब भी बाजार वीकेंड के लिए बंद होने जा रहा होता है एक अच्छे नोट पे बंद होता है, और जितनी भी खबरें वीकेंड पे आती हैं उसका जो भी वर्स्ट केस सिनेरियो इंपैक्ट होता है वो मंडे को आपको साफ तौर पे दिखता है। अगर कुछ डेट्स की आप बात करें, देखिए डेटा इतना इनलाइन है कि आप पिछले 5 सालों में सबसे खराब दिन अगर देखें जब बाजार में सबसे ज्यादा बिकवाली आई थी वो था 24 अगस्त 2015 का दिन जब बाजार निफ्टी 5.9% गिरा था, और उस दिन वो दिन मंडे था। उसके कंपैरिजन में सबसे बेहतरीन दिन जो रहा वो था 19 सितंबर 2013 को जब निफ्टी 3.7% एक ही दिन में चढ़ा। वो फ्राइडे नहीं था, वो गुरुवार था, लेकिन उसके बाद वाला फ्राइडे भी एक अच्छा रिटर्न देने वाला फ्राइडे था। और नॉर्मली फ्राइडे पे काफ़ी हैवी फ्राइडेज रहे हैं जब बाजार ने 3% से ज़्यादा तक का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल अगर आप डेटा कंपेयर करें तो फ्राइडे डेफिनेटली कहना चाहिए थैंक गॉड इट्स फ्राइडे फॉर निफ्टी, बिकॉज एवरी टाइम हर फ्राइडे निफ्टी एक अच्छा रिटर्न देके जाता है। इन कंपैरिजन अगर आप ट्यूसडे देखें 0.02% का एवरेज रिटर्न आता है, वहीं वेनसडे 0.06 और लास्टली थर्सडे के दिन 0.04। थर्सडे की एक और सिग्निफिकेंस है दीपाली साक्षी, 2016 का अगर आप ट्रेंड देखें 2016 में सबसे बेहतरीन दिन निफ्टी के लिए थर्सडे रहा और सबसे खराब दिन भी थर्सडे ही रहा। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया इन डेज का एनालिसिस बताने के लिए, काफी हटकर आज आपने इंटरेस्टिंग डेटा दिया है अंचल, और उम्मीद यही करते हैं कि आज दिन खत्म होते होते तक निफ्टी यही कहे कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे और आज वो रिकवर होते हुए अच्छे से नजर भी आए। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अगले हफ्ते के लिए क्या कुछ ट्रिगर्स है, खासतौर पर अगले हफ्ते होने वाली आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर जरूर नजर रहेगी। 4 अक्टूबर को ये क्रेडिट पॉलिसी आनी है, इस बार नए गवर्नर के साथ एक और चेंज होने जा रहा है, और वो चेंज ये है कि 4 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे क्रेडिट पॉलिसी आएगी, यानी कि हर बार के से अलग जब क्रेडिट पॉलिसी आती थी तब 11 बजे आती थी, लेकिन इस बार उर्जित पटेल जो है जो क्रेडिट पॉलिसी आएगी वो आएगी 2:30 बजे, और उर्जित पटेल जो कि नए आरबीआई गवर्नर हैं वो 2:45 बजे क्रेडिट पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये आपको बताना था। और साथ ही देख लेते हैं कि बाजार के जानकारों का क्या कुछ मानना है, क्या इस क्रेडिट पॉलिसी में डेब्यू क्रेडिट पॉलिसी जो है उर्जित पटेल की वो एक तोहफा दे सकते हैं बाजार को या नहीं, क्या ये रेट कटौती हो सकती है या नहीं, जान लेते हैं कुछ एक्सपर्ट से। निर्मल जैन से हमने बातचीत करी थी, उनका क्या मानना है वो सुनवा देते हैं।
मैं समझता हूँ कि 25% इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है क्योंकि इस बार मॉनसून काफी अच्छा रहा है और अगर उसने जो और इन्फ्लेशन अगर देखें तो WPI तो कम ही रही है, पर उसके अलावा जो फूड इन्फ्लेशन एक मेन इन्फ्लेशन का कारण रहा वो भी हो सकता है कि थोड़ा मॉडरेट हो जाए। और अब ये कमिटी है और उसने जो ग्रोथ को भी ध्यान में रखना चाहिए और जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन से आगे उसको देखते हुए मैं समझता हूँ हो सकता है कि 25% कट इस बार पॉलिसी में देखने को मिले, पर वो हो या नहीं हो, पर अगर आप इंटरेस्ट रेट को देखें तो उनका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। और अगर आप अगले 6 महीने 12 महीने का कोई अंदाज मतलब तो इंटरेस्ट रेट मतलब कम होना अगर अनलेस कोई अनफोर्सिंग घटना हो जाए पर इंटरेस्ट रेट मतलब कम ही होंगे वो मतलब अच्छे की तरफ ही चलेंगे। चलिए और आगे आने वाले हफ्ते में क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हो सकते हैं बाजार के लिए ये भी आपको बताते हैं। 1 अक्टूबर यानी कि कल सितंबर के ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, उस पर बाजार की नजर रहेगी। साथ ही स्पेक्ट्रम नीलामी भी शुरू होगी कल ही से। 3 अक्टूबर को CCL प्रोडक्ट्स के Q2 के नतीजे आएंगे यानी कि अर्निंग सीजन की शुरुआत होते हुए नजर आएगी। और खास तौर पर सितंबर के निकी मैन्युफैक्चरिंग PMI का भी डेटा आएगा, इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। 4 अक्टूबर को उर्जित पटेल की पहली क्रेडिट पॉलिसी होगी और खासतौर पर 4 अक्टूबर को HPL इलेक्ट्रिक की IPO की भी लिस्टिंग होगी। 5 अक्टूबर को देखा जाए तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के भी IPO खुलेगा। साथ ही सन फार्मा का बायबैक ऑफर भी बंद होते हुए नजर आएगा। सितंबर के निके सर्विसेज PMI के भी आंकड़े 5 अक्टूबर को ही आएंगे। 6 अक्टूबर की बात करें तो GM ब्रूरीज और गोवा कार्बन के भी नतीजे 6 अक्टूबर को आते हुए नजर आएंगे।